स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल्स की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का मॉडल बताया था। सेम वैसे ही हम आज नए वर्किंग मॉडल्स बनाएंगे फिजिक्स में ही। तो हम उसमें बनाते हैं लॉजिक गेट्स, जो काफी कम खर्च और आसान तरीके से बन सकते हैं। तो हम जो बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, तो लॉजिक गेट्स में मेनली गेट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेन गेट और एक होते हैं यूनिवर्सल गेट। तो मेन गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो मेन गेट्स वो होते हैं जिनको हम रिपीट करके न्यू गेट, एक ही गेट को रिपीट करके न्यू गेट्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिनको हम बार बार रिपीट करने से न्यू गेट्स का या मेन गेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे एंड और एंड नॉट। तो देखिए, जो और एंड और नॉट गेट्स हैं ये आपके मेन गेट्स हैं, और जो नैंड और नॉर गेट हैं वो आपके यूनिवर्सल गेट हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट नॉर गेट के बारे में, सॉरी नैंड गेट के बारे में, जिसको हम बड़ी इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे हम उसको बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम नैंड गेट। हम यहाँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नैंड गेट की कर रहे हैं। तो नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है, इसको बहुत इजीली हम कैसे प्रिपेयर करेंगे देखते हैं। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए, हर गेट को बनाने के लिए मेनली इनपुट और आउटपुट की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो इनपुट हैं वो ये हैं, दो इनपुट्स हैं, क्योंकि नैंड गेट जो बनता है, पहले देखिए हम इसका साइन या सिंबल देख लेते हैं। नैंड गेट बनता है एंड और नॉट गेट को मिला करके। तो एंड और नॉट को मिला के नैंड गेट बनेगा। एंड गेट के दो इनपुट्स और एक आउटपुट होता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो नॉट गेट के लिए इनपुट का वर्क करता है या इनपुट का कार्य करता है। और ये नॉट गेट का आउटपुट है वाई, और फाइनली नैंड गेट से ये दोनों मिलके नैंड गेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो नैंड गेट के फाइनली दो इनपुट और एक क्या होता है, आउटपुट। हमने इसमें शो किया हुआ है इसका बुलियन एक्सप्रेशन और इसके ट्रुथ टेबल भी। तो देखिए, बड़ी आसानी से हम इसके ट्रुथ टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, पहले हम एंड के लिए जो लिखते हैं, ए एंड बी इक्वल्स वाई, यानी कि वाई यहाँ पे आउटपुट है नैंड गेट का, ए एंड बी इसके इनपुट्स हैं, और ये बार जो है ये नॉट को इंडिकेट करता है, क्योंकि हमने एंड के साथ नॉट कनेक्ट किया हुआ है तभी हमारा नैंड गेट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन जो देते हैं वो हम देते हैं नॉट ए एंड बी इक्वल्स वाई, यानी कि ए डॉट बी बार इक्वल टू वाई। यहाँ आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट्स। अब देखिए इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, तो साथ ही साथ ट्रुथ टेबल भी इसकी बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे दो इनपुट्स के लिए हम फोर पॉसिबिलिटीज देते हैं, कि एक बार दोनों को जीरो रखते हैं, यानी कि ऑफ की कंडीशन रखते हैं, एक बार एक को ऑन एक को ऑफ रख के देखते हैं, एक बार इसको ऑन इसको बी को ऑफ करते हैं, और एक बार दोनों को वन एंड वन यानी कि ऑन की सिचुएशन में रखते हैं। तो देखिए, पहले अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तब तो ये सीधा ही नॉट यानी कि इनवर्स होके हमें मिलता है, लेकिन पहले हम इस गेट के अकॉर्डिंग पहले हम एंड का आउटपुट को ऑब्टेन करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर इसका आउटपुट, इसके लिए जो इनपुट का वर्क करेगा उसका आउटपुट टोटली वाई हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम इस पे एंड का क्या लगाते हैं, एंड का बुलियन एक्सप्रेशन लगाते हैं, तो जीरो और जीरो हमें जीरो आउटपुट मिलेगा, और जीरो का क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ है तो ये ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब अगर इसका आउटपुट यहाँ पे हमें जीरो मिल रहा है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अपोजिट यानी कि वन। तो यहाँ पे जीरो और जीरो, जो जीरो हमें मिल रहा है आउटपुट में वो वन की फॉर्म में हमें मिलेगा, यानी कि ऑन की कंडीशन मिलेगी। और जब जीरो और वन ए एंड बी के लिए जीरो है तो इसके लिए भी बार के लिए वन हो जाएगा, यानी कि नॉट गेट इसके साथ कनेक्ट है, और वन और जीरो के लिए ये जीरो है तो ये वन हो जाएगा, और वन और वन वन है तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो बड़ी सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ट्रुथ टेबल को। तो हमने दो इनपुट्स की चार पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब देखते हैं इसका
सर्किट डायग्राम। तो ये देखिए, इसमें हमने एक बैटरी यूज की हुई है और बैटरी के साथ साथ हमने दो इनपुट्स दिए हुए हैं, दो स्विच लगाए हुए हैं और यहाँ पे हमने 1000। तो ये है हमारी बैटरी सर्किट डायग्राम में, ये हैं इसके दो इनपुट्स और ये है 1000 ओम का रेजिस्टेंस और एक एलईडी बल्ब। तो चार चीजें हमें इसके लिए बड़ी सिंपली चाहिए, एक बैटरी, दो स्विच, एक रेजिस्टेंस 1000 ओम का और एक एलईडी। तो ये बड़ी आसानी से हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्टेड है। इस बैटरी के जो वायर्स हैं वो ये दोनों हैं, ये ब्लैक वायर और ये रेड वायर। एक एनोड को इंडिकेट कर रहा है और एक कैथोड को। तो ये कैथोड और ये एनोड है। तो हम क्या करेंगे, इस रेड वाली वायर को कनेक्ट करेंगे। ये है हमारे दो स्विचेस जो हमने क्या किए हैं, यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब हम इनको देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये रेड वाली वायर को हमने एक स्विच से कनेक्ट किया है, स्विच के एक टर्मिनल से और टर्मिनल के इस और इसी स्विच के एक टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया हुआ है दूसरे स्विच के क्रॉस में, यानी कि उसके अपोजिट टर्मिनल से। फिर उसके बाद हमने इस स्विच का जो फर्स्ट वाला स्विच है इसके दूसरे टर्मिनल को लगाया हुआ है, यहां से ले जा करके ये एलईडी बल्ब के टर्मिनल पे, और ये वाला वायर जो है इस सर्किट को कंप्लीट करता है। अब इसका बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल देख लेते हैं। तो अब इसका दूसरा टर्मिनल ये ब्लैक वायर से कनेक्टेड है। इस ब्लैक वायर को हम एक अदर वायर से कनेक्ट करते हैं और इसको हम लेकर जाते हैं एक रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल पे। तो रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इस वायर से, यानी कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इसको जब हम यहाँ कनेक्ट करते हैं तो हम रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को और एलईडी के एक टर्मिनल को यहाँ बीच में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक एलईडी का टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है रेजिस्टेंस का, और हमने इन्हें ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। और ये दोनों ही वायर एक स्विच से, इस वाले स्विच के अपोजिट टर्मिनल से, और ये वाले को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ से जो ये वाला टर्मिनल है पहले वाले स्विच का, ये इसको हम लेकर जाते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं इसके यहाँ क्रॉस में। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने इन्हें क्या किया हुआ है, अपोजिट कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका टर्मिनल इसके अपोजिट टर्मिनल से और इसका टर्मिनल यहाँ हमने ज्वाइंट किया है। तो ये देखिए, ये क्रॉस में जॉइंट हो रहे हैं, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। ये वायर हमने घुमा के लगाई है, ये ऐसे क्रॉस में है और इसको कनेक्ट किया है बैटरी के रेड टर्मिनल से, और इसके एनोड कैथोड को हमने सीधा रेजिस्टेंस के टर्मिनल से कनेक्ट करके, और रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को हमने एलईडी बल्ब से कनेक्ट किया है, और इस वायर को भी हम सीधा एलईडी बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब हम इसकी ऑफ कंडीशन को देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए, नैंड गेट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ ट्रुथ टेबल में 3 टाइम्स 1 यानी कि ऑन की सिचुएशन मिल रही है और 1 टाइम 0 मतलब 1 ऑफ की कंडीशन मिल रही है। तो हम इसको इन इनपुट्स को ऑन और ऑफ की कंडीशन दे के देखेंगे। तो देखिए, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, जब हम एक स्विच को ऑन करते हैं और एक को ऑफ करते हैं, तो ये देखिए एलईडी ग्लो कर रही है, एलईडी ग्लो करती है, और अगर हम एक दूसरे को ऑन और इसको ऑफ करते हैं तो भी एलईडी ऑन है, और अगर हम दोनों को ऑन रखते हैं तो भी ये हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। और फाइनली एक सिचुएशन में जब हम दोनों को ऑफ की कंडीशन देते हैं तो एलईडी ग्लो करना बंद कर देगी, यानी कि एलईडी अभी ऑफ की कंडीशन में होगी। तो नैंड गेट के लिए यही आउटपुट है, 3 ऑन की कंडीशंस और 1 ऑफ की कंडीशन। तो इस तरीके से ये बहुत ही बेहतर और इजी मॉडल है, बहुत कम खर्च में बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।